Hello everyone, this is Aditya Agarwal from IIT Kharagpur. In this video, I will share 4 strategies with you all so that you can easily score 99 percentile and above in JEE Main 2023. So, अभी तक कोई official notification तो आया नहीं, इसलिए I am assuming that आप लोग का exam January last में होगा. So, you all guys have 3 months left. First strategy is practice more and more mock tests. अब तक आप लोग का सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ होगा तो ट्राई टू कवर योर सिलेबस विद इन द एंड ऑफ नवंबर सो दैट यू ऑल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट. देखो अपने दिल में ये बात संभालो कि ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जेई के लिए. तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है एंड उनका एनालिसिस करना है. ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे देने से भी काम हो जाएगा, वैसा नहीं है. जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ कहाँ एग्जैक्ट गलती कर रहे हैं. तो ट्राई करो कि अपना पूरा सिलेबस नवंबर एंड तक ख़त्म कर दो और दिसंबर जनवरी 2 महीना अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो. ये आपका एग्जाम टेम्परामेंट भी बढ़ाएगा, आपको पता भी चल जाएगा आपका कहाँ कहाँ गलती है और एक बार फुल सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा. और मॉक टेस्ट का सोर्स रेलिवेंट होना चाहिए, इधर उधर कोई भी मॉक टेस्ट मत ले लेना वरना आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. अच्छा मॉक टेस्ट सोर्स से रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो. सेकेंड पॉइंट आता है रिविजन. आप ये जानो कि JEE doesn't expect you to cover the whole syllabus. It just expects that you cover 70 to 80% syllabus so nicely that उस syllabus में से कोई भी question आए तो आप उसे solve कर पाए. तो यही चीज है, आप आज से ही revision start कर दीजिए. आगे का भी पढ़ते रहिए साथ साथ पीछे का revision भी start कर दीजिए ताकि next 3 months में आप 2 to 3 times full syllabus को अच्छा से मन में बसा लें. देखो आपको 3 घंटा में 2 साल का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लिक कैसे करेगा जब आप वो कॉन्सेप्ट को 3-4 बार अच्छा से पहले से पढ़ रखते हो. तो रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब डेली एक टू टाइम शेड्यूल कर दीजिए कि इतना में मैं पिछले का पढ़ूंगा, पहले जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करूंगा एंड उसी टाइम पीरियड में आप ट्राई कीजिए उसे रिवाइज करने का. जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप उस चैप्टर का क्वेश्चन सही कर पाएंगे. थर्ड पॉइंट इज द प्रैक्टिस ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस. यू ऑल नो दैट जेई में हमें 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो मतलब हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा खासा होना चाहिए. उस फाइनल डे में हमें 75 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं तो आज से ही ट्राई कीजिए डेली का 100 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए और वो भी जेई मेंस लेवल का. तो इधर उधर का कोई भी सोर्स मत पकड़िए. अब अपना मटेरियल बहुत ही केयरफुली चूज कीजिए, एक मटेरियल एंड उस पर ही थ्रू आउट 3 मंथ्स स्टिक कीजिए क्योंकि ये बच्चा भी जानते हैं कि 3 मंथ्स में कोई भी 2-2 मटेरियल सॉल्व नहीं कर सकता. तो एक ही केयरफुली चूज कीजिए और उस पर स्टिक कीजिए पूरा. अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट सोर्स इज PYQs क्योंकि दीज आर मेड बाय NTA एंड दीज आर द ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन लास्ट 4-5 ईयर्स में आ रहा है. अब 2019 से लेकर 2022 लास्ट 4 ईयर्स का पूरा सारे चैप्टर का PYQs कर लीजिए, अब देखेंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंट और भी फील करेंगे कि हाँ मेरे से PYQs बन रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में भी हो जाएगा. और अगर सपोज अटक रहे हैं कोई क्वेश्चन में तो ट्राई करेंगे उसका अप्रोच से सीखें कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नेक्स्ट टाइम अप्रोच करूंगा. तो यही है, बस उस टाइम पे जो फाइनल डे का 3 आवर्स में आपका माइंड को हटात क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे अप्रोच करना है. तो उसके लिए आपको PYQs का बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, मिनिमम 2 बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए एंड बिलीव मी इट्स द बेस्ट सोर्स. लास्ट पॉइंट थोड़ा इग्नोर्ड पॉइंट है बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस. आप ये चीज़ समझो कि मतलब जेई में बहुत लोग हार मान जाते हैं लैक ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस के कारण. खुद पे फेथ रखना सीखो. आप सब तो मैच देख रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान का, उसमें विराट कोहली हारने वाला मैच भी जिता दिया खुद पे फेथ रख के. तो आप खुद पे फेथ रखो, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं जेई, कोई बड़ा बात नहीं, सिर्फ पेशेंस थोड़ा सा चाहिए आपको. सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए इनको बिल्ड करने का. कैसे बिल्ड करेंगे ना, सपोज आप टेस्ट में खराब हो रहा है, कूल, इम्प्रूव करने का चेष्टा कीजिए. अगर क्वेश्चन नहीं बन मतलब एक पॉइंट के बाद बनने लगेगा, उस एक पॉइंट तक हमें रेजिस्ट करना है. तो सपोज जो क्वेश्चन नहीं बना ट्राई कीजिए उसके अप्रोच से सीखने का, सोल्यूशन से सीखने का, धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन बनेगा.
जस्ट कीप पेशेंस एंड खुद पे भरोसा रखिए। लास्ट में समरी 4 पॉइंट्स का कि देखो, पहला पॉइंट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर रेलिवेंट मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम। जितना आप अच्छा से एनालिसिस करेंगे उतना ही आप इम्प्रूव करेंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से आपका एग्जाम टेम्परामेंट बढ़ता है, आपको पता चलता है आप क्या गलती कर रहे हैं, एंड आपको एक बार फुल सिलेबस रिविजन भी हो जाता है 3 आवर्स के अंदर, तो बहुत ही फायदेमंद है मॉक टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा देंगे एंड उसका एनालिसिस करेंगे एंड इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है रिविजन। आज से स्टार्ट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप 2 to 3 times अच्छे से फुल सिलेबस को रिवाइज कर पाए, ताकि एग्जाम में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लिक हो। कब क्लिक होगा ना, जब आप बार बार उस चीज को पढ़े होंगे रिविजन के थ्रू, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, एक चैप्टर का 20-25 ही वेराइटीज होता है घुमा फिरा के। PYQs इतने सारे हो गए लास्ट 4-5 साल में कि ऑलमोस्ट सारे वेराइटीज कवर हो गए, तो आप ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड उसे अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस श्योरली इंप्रूव होगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। पॉजिटिव माइंडसेट एंड फेथ रखो, आप श्योरली इंप्रूव करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगेगा एंड टेस्ट देते रहो। कब मतलब एक टाइम के बाद आप देखेंगे आप श्योरली इंप्रूव करेंगे, सिर्फ आप पेशेंस रखो। फॉलो दिस 4 points रिलीजियसली एंड आई कैन गारंटी दैट इफ anyone follows these 4 points religiously, he will surely get 99th percentile and above in JEE Main 2023. And if you want anyone to guide you throughout your JEE Advanced journey for the next 6 to 7 months, you can surely enroll in our courses. Link is in the description box. एंड अगर आप चाहते हैं कि और कोई चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप उसे कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।